आज मैं आपको कोविड के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले एक साल से ये कोविड 19 महामारी चल रही है और सितंबर 2020 के बाद इसके केसेस और मृत्यु दर में कमी आ गई थी। मार्च तक बहुत हमने इसको नियंत्रण कर लिया था, मगर अप्रैल 2021 के शुरुआत से इसका बढ़ना फिर शुरू हो गया और ये महामारी इस बार जो दूसरी लहर है ये भयंकर प्रकोप के रूप में सामने आई है। अत्यधिक केसेस भी मिल रहे हैं और जनता के बीच में ये बीमारी बड़ी जल्दी फैल रही है, क्योंकि इस बार ये विषाणु बहुत ज़्यादा घातक है, संक्रमित है। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इस बार मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा हो गई है। उसका कारण ये है कि जो ये विषाणु है, वायरस, इसमें म्यूटेशन होने की वजह से इसमें घातकपन ज़्यादा हो गया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं, खासकर जो घने जगहों पर और गाँव में जहाँ की सुविधाएँ बहुत कम हैं, जो तीन बातें पहले से बता रखी हैं कि मास्क हमेशा आप पहन के रखिए, चाहे घर के अंदर चाहे घर के बाहर, और हमेशा दूसरे व्यक्ति से 2 गज की दूरी रखिए, हाथ जितनी बार हो सकते हैं आप धोते रहिए, और अगर सैनिटाइज़र मिले तो उसका उपयोग ज़्यादा अधिक रहेगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का अगर बुखार या किसी टाइप के जो सिम्टम्स हैं, जैसे मुंह सूख जाना, बुखार, नाक बहना, घुटने में दर्द, शरीर में दर्द, मसल्स का दर्द, तो ये कोविड के शुरू के जो लक्षण हैं, ये हम इनको बहुत ढीले तरीके से लेते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस बार ये जो बीमारी है ये कम उम्र वालों को भी काफ़ी ग्रसित कर रही है। जैसे पिछले साल जो बीमारी थी, पहले साल, वो वृद्धावस्था और जिनमें डायबिटीज, जिसको हम कोमॉर्बिड कहते हैं, या हाइपरटेंशन, थायराइड, कैंसर और दवाएं जो खाते हैं लंबे, उनके होती थी, मगर इस बार ये यंग जनरेशन में भी काफ़ी हो रही है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपसे अनुरोध है कि इस मेरी इस प्रार्थना को, मेरे अनुरोध को जन जन तक आप फैलाएँ और आप अपना बचाव करने के साथ साथ अपने घर, अपने साथियों, अपने पड़ोसियों और अपने ज़िले और हमारे इस प्रदेश के सभी व्यक्तियों को जो है एक सुझाव दें कि वो अपने जान की रक्षा करें, और अगर ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है तो नियरेस्ट जहां पर भी आप रहते हैं वहां के औषधालय में या डॉक्टर से आप संपर्क करें।